जगदीश है, मैं उत्तराखंड से हूँ और पिछले 16 सालों से अलग अलग संस्थाओं और संगठनों में काम करने का मौका मिला, समाज के बीच, अलग अलग तबकों के बीच। और इस बीच बहुत सारे जो अभी जाति के मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत हो रही है, तो मैंने देखा कि जो आज का समाज है उस समाज में गैर बराबरी तो है ही, क्योंकि मेरा जो पिछले 15-16 साल का अनुभव रहा है, तो मैंने देखा कि अभी पिछले 2017 में मैं चमोली जिले के एक बछवा बांध क्षेत्र पड़ता है उस इलाके में मैं सर्वे के दौरान गया। और जब गांव के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे साथ 7-8 और भी साथी थे जिसमें स्वर्ण और दलित दोनों थे, तो सबसे पहले जब हम उस घर पर गए तो उस व्यक्ति ने सबसे पहले यही पूछा कि आपकी जाति क्या है। तो मैंने जैसे ही उनको अपनी जाति के बारे में बताया कि मैं शिल्पकार हूँ, और उस हिसाब से उस व्यक्ति ने फिर अपनी पत्नी से बोला कि आप उनके लिए चाय बना दीजिए, और काली चाय बना दीजिए, उसमें अदरक डाल दीजिए, दूध रहने दीजिए। तो कुछ और साथी भी थे, जिस तरीके का व्यवहार उस व्यक्ति का हमारे साथ था, और हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने जाति से लेकर हमारे साथ व्यवहार किया था, और हमारी आपसी साथियों के बीच में फिर चर्चा हुई कि उस व्यक्ति ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। तो मैंने देखा कि जो और साथी थे और कुछ दो दलित साथियों ने यहाँ तक बोला कि हम कल से सर्वे में नहीं आएंगे, और एक स्वर्ण साथी ने ये भी बोला कि जिस तरीके का व्यवहार इस आदमी ने किया हमने तो आज तक देखा भी नहीं। इस तरह की चर्चाएं और हमारे बीच भी, और मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि जो समाज के अंदर जो व्यवस्था है और वो इसी तरीके से चलती है। तो जब उस दौरान मैं कम से कम 15 गांव में मैं गया, तो वह हर गांव में विशेष कर ये समस्या मुझे देखने को मिली कि जिस तरीके से वहां पर इस तरह का काम हम लोग, मैंने सोचा कि जिस तरीके के हम इस समाज के अंदर काम करेंगे, जिस तरीके की समस्या देखने को मिली कि हम उनके बीच में कैसे काम करेंगे, तो इस तरीके का एक अनुभव वो भी था। और दूसरा, जब शुरुआती दौर में मैं अल्मोड़ा जिले से लगभग लगभग 135 किलोमीटर दूर काम के लिए गया था, और वहां पर जब मैं कमरा लेने के लिए मैंने बातचीत की लोगों के साथ, तो कमरे देने में भी एक बहुत बड़ी समस्या मुझे देखने को मिली। खासकर वही था कि जाति का मुद्दा वहां पर आ रहा था, और जिसके साथ मेरे कमरे की बात हुई थी तो उन्होंने यहां तक बोला कि पानी तो एक ही है। तो ये समस्याएं आज के दिन उत्तराखंड में देखें तो खास तरीके से, अभी जैसे हम लोगों ने जो अभी हम लोगों ने गांव के अंदर समता के सवाल पर जो लोगों के साथ बातचीत की, हम लोगों ने जो पारंपरिक लोक ज्ञान है, जो लोग जानकार हैं इसके, उन लोगों के साथ हमने चर्चा की, चाहे वो जागरी लगाने वाला हो या ढोल वाला हो या फिर वैद्य हो या फिर कोई दाई का काम करने वाला है, तो अलग अलग तबकों के बीच जो भी जानकार लोग हैं उनके बीच हमने ये बहस शुरू की, और हमने देखा कि किस तरीके से जो आज के दिन जो काम है उनके, जो पारंपरिक जो उद्योग धंधे थे उनके, वो किस तरीके से प्रभावित हुए हैं। और जिससे भी हम बात करें कि आप लोग इस काम को कैसे, मतलब ये काम किस तरीके से शुरू किया, एक उनकी स्टोरी हम लोगों ने दी कि किस किस तरीके से ये समाज में इस काम को शुरू किया गया और आज धीरे धीरे क्यों खत्म हो रहा है, तो हमें देखने को मिला जिससे भी हम बात करें तो वो यही बोलता है कि आज के दिन तो जो हम लोग काम करते हैं उस काम का सम्मान नहीं है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आगे की पीढ़ी उसको करना नहीं चाहती। तो ये बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच में था कि वो जो चीजें आज के दिन खत्म हो रही है वो कहीं ना कहीं जो हमारी जो व्यवस्था है वो उसको प्रभावित कर रही है। और जब तक, मुझे तो ये लगता है कि जब तक गांव समाज के अंदर ये चीजें रहेंगी और तब तक हम एक समतामूलक समाज की बात नहीं कर सकते कि कैसे, जब तक क्योंकि समाज के अंदर ये गैर बराबरी रहेगी तो ये दिक्कत तो होंगी होंगी। तो इस तरीके का जो पूरा एक समाज के अंदर देखा गया कि जो समस्याएं आज के दिन जाति को लेकर है, और कुछ लोग तो ये भी मान, कुछ लोगों के साथ बातचीत करने से तो ये भी लगा कि उनका कहना यह होता है कि अब धीरे धीरे तो कम हुआ है, लेकिन जहां कम की बात करते हैं तो हमने कुछ युवा साथियों से भी बात की, तो युवा साथियों का कहना यह है
कि अगर हम देखें तो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, होटलों में तो हमारे साथ भेदभाव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम अपने परिवेश के अंदर आते हैं और उसी गांव का जो लड़का लड़की है जो कॉलेज के अंदर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, लेकिन वो जैसे ही अपने समाज के अंदर आता है तो वहां पर फिर वही उसी तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। तो इस तरीके की बहुत बड़ी समस्या हमको गांव के अंदर देखने को मिलती है आज के दिन में, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो जातिगत भेदभाव आज के दिन है, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे वो जेंडर की समस्या हो, वो तो है ही है गांव के अंदर। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, हमें लगता है कि अगर हम इन जो अलग अलग समाज के तबकों के जो लोग हैं उनके साथ अगर हम संवाद नहीं करेंगे तो इस तरीके की समस्याओं का हल नहीं निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो गैर दलित या दलित समाज है उनके बीच तो बात करने की जरूरत तो है। धन्यवाद। सुबह जब रजनीकांत जी ने खाने से पहले चाय से पहले बात रखी तो कहा उन्होंने कि संवाद की जरूरत है, और वो बात फिर बात के सभी वक्ताओं में, अमर सिंह जी की बात में और जगदीश जी की बात में वो रेखांकित हो रही है। आमतौर से उत्तराखंड के जो तथाकथित अग्री जातियां हैं उनके मित्रों से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है जाति नहीं है। हिमाचल में भी ऐसा कहा जाता है बहुत से पहाड़ी इलाकों में, शायद जब वो लोग ऐसा कहते हैं तो जाति को जैसे बिहार यूपी में जहाँ दलित चेतना शायद उत्तराखंड से ज़्यादा हो और जहाँ अधिकारों के लिए संघर्ष हो रहा है तो उन पे जो दमन होता है उसके संदर्भ में वो अपने बारे में कहते होंगे। तो हम लोगों ने आज से 10-12 साल पहले जब उत्तराखंड में हिमालय नीति संवाद का काम चल रहा था तब हमने सोचा कि हिमालय नीति समाज का एक तबका उससे बाहर रहे तो वो कैसी हिमालय नीति होगी, और वहाँ तब हमने दलित गैर दलित संवाद की एक योजना बनाई और वो 3 बरस तक चला करीब। उसमें 5-6 मुख्य संवादों की रिपोर्ट भी हमने ट्रांसक्राइब की है, विजया जी जो यहाँ हमारी संपादिका बैठी हैं, और उसके बाद जो है गिरधर राठी जी ने और कई मित्रों ने उसका संपादन किया है तो वो अभी छाप नहीं पाए हैं हम। तो उस संवाद के जो आयोजन मंडली थी उसके मुख्य साथी आप ही थे गोपाल जी, और उसमें ये खुद ही बताएंगे उसका जो अनुभव है वो काफ़ी शिक्षाप्रद है, मैं उस पर खुद कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इनकी बात आ जाए उसके बाद हम इस पर अभी का जो माहौल है उसमें जातिवाद कैसे है उस पर और उससे कैसे निपटा जाए और समता की ओर कैसे चला जाए इस पर आप लोगों की टिप्पणियाँ गोपाल जी के बाद आमंत्रित हैं। आप अभी से सोचना शुरू कर दें अपने क्या बोलना है आपको क्या कहना है। गोपाल जी